तो स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग। आज जी मैं आपको डेली रूटीन बताऊंगा इफ्तार की, जो आज मैं घर वालों की हेल्प करने लगा बेसिकली। तो स्टार्ट करती हैं जी, सबसे पहले चाट है, चना चाट जी चेक कर सकते हैं आप, माशाल्लाह जी। तो ये चने हैं बॉयल किए हुए, कोड़े हैं और आलू बॉयल किए हुए हैं, ये सब मसाला जाते हैं, ये नींबू है जी। तो मिक्स करते हैं जी सब मसाले जो हैं, ये नींबू एक साइड पे खा लेते हैं, ये इधर रख लेते हैं। तो इसको मिक्स करते हैं जी। जी फाइनली मिक्स हो गया चाट हमारी, ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से, हर जो इंग्रेडिएंट अलहदा अलहदा नज़र आ रहा है आपको। और ये दही है जी, दही हम अब मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि किसी ने डालना होता है किसी ने नहीं, और कुछ चाट मसाले वाली और नींबू वाली खाते हैं और कुछ दही वाली खाते हैं, इसलिए अभी हम दही मिक्स नहीं करेंगे। तो अब हम पकौड़ों की तरफ होते हैं जी। पकौड़ों की रेसिपी बनाने लगे हैं, ये देखें आलू काट के रख दिए हैं, धनिया हरी मिर्च और पालक भी एक साइड पर। तो अब हम इसके बेसन डालते हैं जी, ये छान कर, क्योंकि बीच में अगर कच्चा वगैरह होगा तो वो साइड पर रह जाएगा। अब हम जी ये मसाले जार डालते हैं और अच्छी तरह मिक्स करते हैं। एक सुर्ख मिर्च का एक भर के चम्मच जी, ये थोड़ा सा काम था, और ये, और एक नमक का चम्मच। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, ये चेक कर सकते हो माशाल्लाह जी। कोड़ा रेसिपी खुद तैयार करूँगा जी अपने हाथों से, आज पूरी फैमिली खाएगी। ये जी फाइनली तैयार हो गया हमारा पकौड़े के लिए, और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और आपको पकौड़े निकाल के तो बताते हैं सारा। तो ये चटनी भी तैयार हो चुकी है, पुदीने दही हरी मिर्च की चटनी आप माशाल्लाह पीस के इसको पूरा, और अब तैयार कर लिया और दही के साथ फेंट के पूरे इसको। तो चलते हैं जी चूल्हे की तरफ और आपको पूरी रेसिपी पकौड़े की रेसिपी बना के दिखाते हैं। व्यूअर्स, आग जला दी है, ऊपर कढ़ाई रख के उसमें ऑयल डाल के, गर्म हो चुका है, अब डालते हैं सामान है। तो माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जब तक कढ़ाई फुल नहीं हो जाती इसमें डालते रहेंगे मुसलसल। शेक बहुत ज़्यादा है जी, लकड़ी की आग हो और शेक ना हो, ये कैसे हो सकता है। माशाल्लाह फ्रेंड्स, ये देख सकते कलर चेंज हो गया, ब्राउन हो रहे हैं पकौड़े माशाल्लाह। आग काफ़ी तेज़ है तो सेक भी काफ़ी पड़ रहा है। व्यूअर्स, पकौड़े की रेसिपी मैंने बना ली है और अब मैं खरबूजा काटने लगा हूँ, इसको काटते हैं जी। जब तक फ्रूट ना हो दस्तरखान पे, रमज़ान वाले दस्तरखान पे तो मज़ा नहीं आता। ये देखिए माशाल्लाह जी खरबूजा, इसके बीज एक साइड पे निकाल लेते हैं, काफ़ी जुड़े हुए हैं साथ बीज इसके, और अब इसके पीसीस काट के रख देते हैं एक ट्रे में, ये पड़ी ट्रे थी उसकी, इस तरह से इसके पीस माशाल्लाह जी। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है जी खरबूजे की, तो दिल का रह के अभी जो है ना इस पर हमला कर दें, लेकिन रोज़ है जी, इसके दो कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा। फाइनली मैंने खरबूजा भी काट लिया है, तो माशाल्लाह बताइएगा मुझे कमेंट करके, अच्छा काटा है माशाल्लाह, ये चेक कर सकते हैं आप थोड़ा सा नज़दीक का।
देखिए कैटो हमारी पूरी गुफ्तगू सुन रही है और कैप्चर कर रही है सारा सारा, क्योंकि पहली दफ़ा हम इधर बैठ के अफ्तारी करेंगे, तो इसलिए ये देखें किस तरह हमारी सारी गुफ्तगू सुन रही है। तो एंड पे हम बिल्ली को भी साथ बिठाएंगे और पूरी अफ्तारी कराएंगे। रोज़ा इफ्तार होने के बिल्कुल करीब है, हमारा सारा दस्तरखान भी साथ चुका है, चाट, खरबूजे, पकौड़े, और ये मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाता हूँ अपने लिए, ये स्पेशल, बाकी घर वाले जूस पीते हैं और ये मैं बनाता हूँ जी। तो माशाल्लाह अभी दस्तरखान हमारा फुल रेडी है, तो दुआ करते हैं। फ्रेंड्स इफ्तार करते हैं जी अपनी फैमिली के साथ, उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इफ्तार करने के बाद नमाज मगरब का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।